हाय, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं नैनीताल। पैकिंग लगभग हो चुकी है। साथ में ही मुझे वहां पर अपने भाई की शादी अटेंड करनी है और साथ में ही मुझे शूट करना है हिली एरिया में आप लोगों के लिए। मैं कैमरा रेडी, मैं एक्शन कैमरा रेडी। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने अपनी गाड़ी जो है कोल्ड स्टार्ट कर दी है। और अभी मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड रुद्रपुर, और रुद्रपुर से 20 किलोमीटर आगे मेरा है घर। पहले मैं अपने घर जाऊँगा, फिर अपने ब्रदर की शादी अटेंड करूँगा, उसके बाद जो है मैं नैनीताल जाऊँगा। अभी जो है मेरी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है और टोटल किलोमीटर मुझे पड़ेंगे यहाँ से 360 मेरे घर तक। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, और मेरा टारगेट है 10 बजे घर पहुँचने का। हाँ, तो मैंने अपना टारगेट लिया है 10 बजे तक अपने घर पहुँचने का। तो मैं निकल चुका हूँ अपनी जर्नी पे, तो बने रहिए मेरे साथ, अपडेट देते रहूँगा रास्ते में। तो गाइज, अभी मैं हूँ दिल्ली जयपुर हाईवे पे, और यहाँ से दिल्ली लगभग है आपका 80 किलोमीटर दूर। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15, और मेरा प्लान है दिल्ली पहुँचने का 5 बजे। सो आई हैव टू ड्राइव अकॉर्डिंग टू दैट स्पीड दैट आई कैन रीच दिल्ली अप टू 5 AM, एंड आई हैव टू क्रॉस गाजियाबाद बिफोर 6, क्योंकि काफ़ी रश हो जाएगा। जो पब्लिक है, ऑफिस वाली पब्लिक आती जाती रहेगी वहाँ पर। सो लेट्स डू इट। गाइज, अभी टाइम है 4:40, और मैं पहुंच चुका हूं मानेसर। तो दिल्ली यहां से अभी भी काफ़ी दूर है। मेरा जो प्लान था 5 बजे दिल्ली पहुंचने का, वो हो नहीं पाएगा। मैं लगभग 5:30 बजे तक दिल्ली पहुंचूंगा अगर मैं डिसेंट स्पीड में चला। तो अभी मैं मानेसर ही हूँ। चलिए देखते क्या होता है, कितने बजे मैं दिल्ली पहुंचता हूँ। हम पहुंच चुके हैं गुड़गावा। गुड़गावा बोला जाता है इसे हरियाणा में, वैसे इसका नया नाम गुरुग्राम है। गुड़गांव गुरुग्राम टोल टैक्स में है अभी हम। वी हैव टू पे टोल टैक्स हियर। अब दिल्ली दूर नहीं। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, आज है मेरे पास वैगन आर 2015 मॉडल, और अगला शूट हम इसी में करने वाले हैं। पैसा पूरा दिया है भाई, पैसा। जैसे कि अभी हो रहा है 4:50 हो रहे हैं, हम दिल्ली लगभग पहुंच जाएंगे 4:15 के आसपास, सॉरी 5:15 के आसपास। मैं लगभग स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ 100, 110, कभी 120, बिकॉज आई हैव टू क्रॉस गाजियाबाद एज सून एज आई कैन, क्योंकि वहाँ पर रश काफ़ी हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ तो मैं जाम में फंस सकता हूँ उधर। सुबह वहाँ 6:30 बजे से काफ़ी रोड है, बिजी हो जाती है वहाँ पे।
और आज मंडे है, ऑफिस डे है, संडे होता तो मैं उम्मीद कर सकता था कि रोडें खाली होंगी। तो आज एक्चुअली इट इज़ मंडे टुडे और मैं नैनीताल, अभी फर्स्टली मुझे जाना है रुद्रपुर। रुद्रपुर से 20 किलोमीटर आगे है मेरा घर, उस जगह का नाम है पंतनगर। पंतनगर से थोड़ा सा आगे गांव है मेरा। तो मुझे टोटल 360 किलोमीटर पड़ता है। 360 किलोमीटर कवर करने के लिए अगर मैं नॉन स्टॉप चलूँ तो मुझे कम से कम 5 घंटे तो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द पहुँचूँ, क्योंकि मुझे अपने ब्रदर का आज फंक्शन है, गणेश पूजा, कल उसकी शादी है, परसों रिसेप्शन है, ये तीनों अटेंड करने हैं और साथ में ही ट्यूटोरियल बनाने हैं आप लोगों के लिए हिल एरिया पे। तो जनरली मुझसे पूछा जाता है कि आप लॉन्ग ड्राइव में जाने से पहले क्या क्या चेक करें गाड़ी का, क्या चेक पॉइंट्स हैं लॉन्ग ड्राइव में जाने से पहले। सर, सबसे पहले जो है उस गाड़ी की, जिस गाड़ी में आप लॉन्ग ड्राइव जाते हैं, प्रॉपरली सर्विस होनी चाहिए, ऑथोराइज सर्विस सेंटर या ऐसे मैकेनिक से आपको जिस पर भरोसा हो, और मैकेनिक से एक ख़ास रिलेशन बनाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी मैकेनिक हो, आपका सर्विस सेंटर का, ऑथोराइज सर्विस सेंटर का हो या बाहर कोई लोकल मैकेनिक हो, उससे अगर आप रिलेशनशिप बना के रहोगे तो वो अपनी गाड़ी, वो आपकी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के रिपेयर करता है। तो क्या चीज़ चेक करनी चाहिए गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव जाने से पहले, सबसे पहले आपने चेक करना है इंजन ऑयल। वैसे इस गाड़ी का मैंने चेकअप करवाया था एक मैकेनिक से, उसने कूलेंट चेक किया था और इंजन ऑयल चेक किया था, उसने कार चला के देखी थी, ब्रेक चेक किए थे कार के। और ये मैं भी कर सकता था लेकिन मुझे थोड़ा सा काम करवाना था कार पे, इसका रेडिएटर जो है लूज़ हो गया था, माउंटिंग उसकी लूज़ हो गई थी। तो उसने उसको फिक्स किया, तो मैंने उसको बोला था इसका जनरल चेकअप कर दे, ताकि मुझे बहुत लंबा जाना है। तो इसका भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम चेक करेंगे और अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है गाड़ी में, जिससे कि वो आपको रास्ते में धोखा ना दे, क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं। अभी जैसे मैं नाइट पे चल रहा हूँ, नाइट तो खैर क्या, ये मॉर्निंग हो चुकी है, नाइट में ही चल रहा हूँ अभी मैं। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी लाइट्स, मुझे अपनी गाड़ी की सारी लाइट्स जो है वो प्रॉपरली चेक करनी पड़ी और मैंने करी भी। ज़्यादा खास नहीं, और टायर प्रेशर चेक करना है आपने, जो आपकी स्टेपनी है उसका भी आपने जो है एयर प्रेशर चेक करना है, उसमें हवा है या नहीं है। मान लो रास्ते में कोई आपका टायर पंचर हो जाता है और आपकी स्टेपनी भी पंचर निकली, तो फिर क्या फ़ायदा है स्टेपनी रखने का। गाजियाबाद मैंने क्रॉस कर दिया है। अब ये जो गाजियाबाद के स्टार्टिंग में जो टोल टैक्स आता है, टोल नाके में हूँ अभी मैं। सिंगल पर्ची भैया साहब,
तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 6 बजने में, अभी 5 मिनट है, हम राइट टाइम पे हैं। जैसा हमने टारगेट किया था कि 6 बजे जो है हम गाजियाबाद क्रॉस करेंगे, तो हम 5 मिनट पहले गाजियाबाद को क्रॉस कर चुके हैं। सो देन मैंने टारगेट लिया था 10 बजे घर पहुंचने का, तो अभी 4 घंटे हैं मेरे पास और लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर है मेरा घर अभी। तो लेट्स सी हाउ आई मैनेज टू कवर इट बिफोर द टाइम। खींच के लो। हेलो, अब जो है टाइम हो गया है 7 बज गए हैं सुबह के, लगभग मैंने 220 किलोमीटर क्रॉस कर दिए हैं, मींस के 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से मैं चल रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो अभी तक मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, मैं लगातार चल रहा हूँ। ट्रैफिक मिला मुझे थोड़ा सा गाजियाबाद में, कुछ खास ट्रैफिक नहीं था, मैं अपनी स्पीड जो है लगभग 120 के आसपास मैंने मेंटेन कर रखी है। और गजरौला मैं क्रॉस कर चुका हूँ, गजरौला से काफ़ी आगे आ चुका हूँ मैं। 7 बजे हैं अभी, तो नेक्स्ट अपडेट मैं आपको 8 बजे दूंगा कि मैं कहाँ पर पहुँचाऊँ। मैं अभी बीच में एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक बनता है। गाइज एक छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने अभी यहाँ पर मुश्किल से 5 मिनट का, और मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ। आप अगर ड्राइव करते हैं आपको नींद सी आती है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है, या फिर आप बोर से होने लगते हैं, तो आप अपने साथ ना गाड़ी पे फ्रूट रखा कीजिए। और मैं ग्रेप्स खा रहा हूँ, अंगूर खा रहा हूँ, काले वाले। क्या होता है आप बोर भी फील नहीं करेंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी। अपने साथ ऑरेंजेस रखिए, ऑरेंजेस से जो है, ऑरेंज जो है, संतरा जो है, उससे आपकी नींद भाग जाएगी। और कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है तो अपने साथ एक नींबू जरूर रखिए, नींबू आप अपनी जीप में रख दीजिए, आपकी नींद भाग जाएगी। अभी मेरा घर यहाँ से लगभग 130 या 40 किलोमीटर बचा हुआ है। आगे रामपुर के बाद रोड उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप उस रोड पे 40, 50, 60 तक चला सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अपनी स्पीड बढ़ा के, मतलब भगा के गाड़ी को, उस टाइम को मैं पहले कवर कर लूंगा। अभी टाइम है आपका 7:10, 8 बज चुके हैं दोस्तों, और मैंने रामपुर जो मेन सिटी है वो क्रॉस कर दी है। तो अभी रुद्रपुर यहाँ से लगभग 30 या 35 किलोमीटर दूर है, और रुद्रपुर से मेरा घर जो है 20 किलोमीटर दूर है। तो टोटल 50 किलोमीटर के आसपास मुझे अभी और चलना है, लेकिन रोड इतना ख़राब है आप देख सकते हैं, और बिल्कुल सिंगल हाईवे है ये। आप 30 से 40, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ही मेंटेन कर सकते हैं इस रोड में, जितने खड्डे हैं पूछो मत। लेकिन ये सिर्फ बिलासपुर तक है, बिलासपुर मतलब 20 से 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से। रुद्रपुर से बहुत अच्छा रोड स्टार्ट हो जाता है, उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली रुद्रपुर से, इसलिए वहाँ पर अच्छी रोड है। यूपी के तो आपको हाल पता ही होंगे, इवन इलेक्शन आने वाले हैं उसके बावजूद भी जो है रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे जो दिल्ली को जोड़ता है।
हालांकि काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं पिछले 2 या 3 सालों से देख रहा हूँ कि काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है। जगह जगह पर बैनर लगे हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लो, और एक्चुअली ये आपने सुना होगा भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती है, एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है, और ये उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है, यहाँ केयर करने वाला कोई नहीं है। सब पॉलिटिकल लोचे हैं, राजनीति। मैं अभी मुश्किल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूँ और मुझे ये 50 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लग जाएगा पूरा, और हाईवे में मुझे 50 किलोमीटर कवर करने हैं 30 से 35 मिनट लगते हैं। बहुत बुरा हाल है, और एस्टिमेटेड अराइवल टाइम मैंने 10 बजे लगाया था, अभी 8 बज रहे हैं, हो सकता है मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाऊं। लगभग मैंने 360 किलोमीटर की जर्नी में टोटल 5 घंटे में पूरी करूंगा। अब डिपेंड करता है कि आगे रोड कैसी है और रुद्रपुर में ट्रैफिक कितना है, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम स्टार्ट हो चुका है, लोग अपनी ऑफिस में जा रहे होंगे, मार्केट में काफ़ी रश होगा, कंपनीज की बस होंगी, और रुद्रपुर चल के देखते हैं। फिलहाल तो इसे कवर करना है, इस रोड को झेलना है। अभी आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, अभी टाइम हो रहा है 8:25, और देखिए रोडों का हाल। अभी तक मैं सिर्फ 10 या 15 किलोमीटर कवर कर पाया हूँ, रोड है, ट्रैफिक है, जब रोड अच्छा नहीं होगा तो ट्रैफिक ऑब्वियसली होगा ही, और चुनाव का प्रचार चल रहा है बड़े जोरों से। कभी आपने ऐसा सोचा अगर रोडें सही हो तो लोगों का टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, फ्यूल बचेगा, फ्यूल फ्यूल बचेगा, एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको बचा रहे हम, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है। भले ही हम 70 रुपए लीटर तो इसको ले रहे हैं पेट्रोल को, लेकिन इट इज प्राइसलेस। मान लो कोई बीमार है और उसको रेफर कर दिया जाता है इधर से दिल्ली किसी अच्छे हॉस्पिटल पे, और यहाँ पर ऐसी रोड नहीं है, यहाँ पर ऐसी रोड नहीं है कि उसे टाइमली जो है हॉस्पिटल पहुँचने में मदद करे। इतने ज़्यादा बड़े खड्डे हैं, और ऐसे खड्डों में यही खड्डे जो है एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सीडेंट्स में। खास करके जो बाइकर्स हैं बैलेंस खो जाते हैं, बैलेंस खो देते हैं इतने बड़े बड़े खड्डों में। ये जो रोड की कंडीशन है ये सिर्फ SUV के लिए बनी हुई है, और नेताओं के पास अपनी SUV है तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है कुछ भी है। अभी जो समय हो रहा है वो है 9 बजे। फाइनली मैं रुद्रपुर सिटी में हूँ अभी 9 बजे। एस्टिमेटेड टाइम जो हमने लिया था वो 10 बजे का लिया था, लेकिन मैं 9 बजे रुद्रपुर पहुँच गया हूँ। अभी मुझे 20 किलोमीटर और चलना है, और 20 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे मुझे, क्योंकि जो रुद्रपुर सिटी के अंदर है वो स्पीड लिमिट जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। एक बार मेरा चालान कट चुका है नैनो में, और सिटी क्रॉस करते ही रोड भी अच्छी आ जाएगी और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा मुझे, तो इसलिए मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊंगा।
हेलो गाइस, दिस इज 10 इन द मॉर्निंग और मैं अभी अपने भाई के घर पर रुक गया था थोड़ी देर के लिए और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। और काफ़ी गर्मी हो चुकी है यहाँ पर और आप देख सकते हैं मैंने टोपी उतार दी है, बाल बिगड़ गए मेरे काफ़ी टोपी पहनने के बाद। और यहाँ से मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर आप गांव की रोड देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ख़ास रोड नहीं है लेकिन उस रोड से तो अच्छी है जो रामपुर के बाद हमें मिली थी और बिल्कुल बच के चलना पड़ता है। यहाँ पर सिंगल वे है, उसी में हमने ओवरटेक करना है और वो करना है। तो अब हम जाएंगे अपने गांव की तरफ जो है शांतिपुरी नंबर 1। हम इसे गांव तो बोलते हैं लेकिन ये गांव लगता नहीं है। सारी सुख सुविधाएं हैं इस गांव में और एक वेल डेवलप गांव के बोल सकते हैं आप इसको। तो अभी हम अपने घर पे हैं, घर जा रहे हैं। आज मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा। मेरा घर मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे होगा यहाँ से। स्वीट होम है और ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये मेरे कॉलेज टाइम की बाइक है, एक जो है डिस्कवर 135 और दूसरी बाइक जो खड़ी है CBG एक्सट्रीम है। वो मेरे जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी करनी तब मैंने वो ली थी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने घर।